द फ्रीलांसर की अब तक की कहानी। कबूल है? कबूल है जी, कबूल है। आलिया खान को शादी के बाद धोखे से सीरिया ले जाया गया। पापा मैं सीरिया में हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो पापा। मदद के लिए था तो सिर्फ एक अविनाश कामत, also known as the freelancer, एक deadly mercenary जो किसी भी सरहद या कानून से नहीं बंधा। आलिया के पिता एक्स पुलिस ऑफिसर इनायत खान अविनाश के जिगरी दोस्त थे। प्रॉमिस कर आलिया और सबीना का ख्याल रखें। अविनाश तक पहुंचने का कोई जरिया ना होने की वजह से उन्होंने एक एक्सट्रीम कदम उठाया। अविनाश अपने दोस्त की मदद करने वापस इंडिया आता है। और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। ओ साहब, कौन सी तंजीम के लिए रिक्रूट करती हो? मेरी किसी तंजीम से कोई वाबस्तगी नहीं। वहीं सीरिया में फंसी आलिया को टेररिज्म का एक नया चेहरा देखने को मिलता है। आतंक का ये रूप जितना क्रूर और बेरहम था उतना ही हाईटेक और एडवांस्ड भी। अविनाश, अगर तुम इनायत की बेटी को वहां से निकालना चाहते हो तो दो बातें याद रखना, ये नामुमकिन है, और दूसरा, you're already late. एक तरफ आलिया की उम्मीद खोती जा रही है और दूसरी तरफ फ्रीलांसर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जानती हो इन्हें? कौन है आदमी? अविनाश अंकल। क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा? ये मुझे भी मार डालेंगे कभी भी। ऐसा कुछ नहीं होगा आलिया। या फिर ये फ्रीलांसर का आखिरी मिशन बन जाएगा? पता चलेगा द फ्रीलांसर द कंक्लूजन में। देखिए 15 दिसंबर से सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।